हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विश्वजीत। आज का जो टॉपिक है मॉस्फेट बेस वेल्डिंग मशीन का वीडियो नंबर 3। तो मॉस्फेट बेस वेल्डिंग मशीन में मैंने दो पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लीजिए। टॉप कार और बॉटम कार के बारे में हो गया, अब जो वीडियो है वो मिडिल कार के बारे में हो रहा है। तो देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम है ये मिडिल कार का है। मिडिल कार में यहाँ पे एक कनेक्टर दिया हुआ है, 7 पिन का कनेक्टर। यहाँ पे एक कनेक्टर है, 3 पिन का कनेक्टर। यहाँ पे दो टर्मिनल है, इस टर्मिनल से वेल्डिंग टॉर्च में, वेल्डिंग होल्डर में लाइन जाता है। ये सिर्फ यही सिंपल छोटा स्मॉल डायग्राम है, इसको स्टडी कर लेंगे तो मिडिल कार में आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत देखते हो उसके बाद स्किप करके चला जाते हो, लेकिन पूरा एक देख लीजिए। क्योंकि अगर इस सर्किट को आपका दिमाग में रहेगा तो आपको रिपेयरिंग करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो कनेक्टर है ये कहाँ से आता है? फ्रॉम टॉप कार से आता है। टॉप कार, ये टॉप कार से आ रहा है, आप देख सकते हो। इधर से हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3 नंबर टर्मिनल टॉप कार में जाके एक साथ शॉर्ट किया रहता है, और 4 नंबर यहाँ पे एनसी रहता है, इसमें कनेक्टेड नहीं रहता है। 5, 6, 7 इधर से जाके ऊपर टॉप कार में एक कैपेसिटर, इंडिविजुअली कैपेसिटर रहता है। यहाँ से एक एक कैपेसिटर के थ्रू आता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से 1 नंबर से लाइन आ रहा है, एक चॉपर ट्रांसफार्मर। ये एक चॉपर ट्रांसफार्मर है, इसको हम लोग T1 से डिनोट करते हैं। ये चॉपर ट्रांसफार्मर से होके जाके लाइन रिटर्न जाके इधर 5 नंबर में जाके टॉप कार में एक पीएफ के थ्रू उसका सर्किट में जाता है, IGBT सर्किट में चला जाता है। तो आप इधर देख सकते हो, इधर से अगर लाइन क्लोज हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है। तो इसका जो टर्न रेशियो है 21:4, ये कहीं कहीं पे भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, 2-3 टर्न, तो ऐसे उसको भी चल जाएगा लगाने से। अब इधर देख सकते हो, यहाँ पे 4 टर्न है, इधर भी 4 टर्न है। तो यहाँ एक इसमें सेंटर टैप करके लिया रहता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, देख सकते हो आप। इधर से भी मिडिल से आ रहा है, मिडिल से आ रहा है, मिडिल से आ रहा है। तो आप पहले देखिए, अगर इधर पॉजिटिव होगा तो इधर जब पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव होगा। हाँ, इधर भी नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव होगा इधर से लाइन होके इस डायोड के थ्रू इधर जाएगा, और इधर न्यूट्रल से थ्रू इधर से करके ये लाइन के थ्रू इधर आएगा, इधर चला आएगा। ठीक, सेकेंड साइकिल में जब इधर पॉजिटिव होगा, जब इधर पॉजिटिव होगा तो इससे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर से लाइन करके इधर से डायोड के थ्रू फिट करके इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर से नेगेटिव होकर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये 2 डायोड है, एक डायोड मॉड्यूल है, मॉड्यूल डायोड है। इसका नंबर है D92-02M, एक मॉड्यूल डायोड है। आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ प्रैक्टिकल में। अभी तक देख सकते हो, ये डायोड है ना, ये डायोड है, ऐसे डायोड है, ये डायोड का ही इधर पे इंडिविजुअली 2 डायोड इसके अंदर लगा है, इसलिए शो हो रहा है। तो एक एक डायोड इंडिविजुअली 10 एम्पियर, तो ये 10-10 करके 20 एम्पियर, एक डायोड में 20 एम्पियर लोड लेता है। अब इधर से करके आ सकते हैं, ठीक सेम इधर जो है ये भी आप देख सकते हो, 2 नंबर से इन हो रहा है, 5-6 नंबर में आउट हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है, यहाँ भी ऐसे काम कर रहा है, इधर भी ऐसे काम कर रहा है। और अब इधर देख सकते हो, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और 221 kV का PF दिया हुआ है। यहाँ पे जब स्पाइक होगा इसी वोल्टेज को, यह रिफिल को बाईपास करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इधर देख सकते हो, सिर्फ इधर से चॉपर का क्या काम है, इधर से डीसी बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव बन रहा है, इधर पॉजिटिव लिंक, ये पॉजिटिव लिंक, सारे पॉजिटिव लिंक है। तो नेगेटिव डायरेक्ट जाके टॉर्च में जा रहा है, इधर से पॉजिटिव एक रेजिस्टेंस के थ्रू साउंड, इसको बोल सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, 0.32 ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू इधर जा रहा है। तो आप इधर देख सकते हो, पॉजिटिव से एक पीएफ 472 के का पीएफ करके ग्राउंड के साथ लगा है, और इधर नेगेटिव से भी 472 के ग्राउंड के साथ लगा है।
ग्राउंड के साथ बुला दे। ये क्या होता है जब जब हम लोग ये वेल्डिंग करते छोड़ते तो उसके वजह से एक स्पाइक वोल्टेज जनरेट होता है और डायोड में जाके जाके ट्रेस ना करे, ये इसको बाईपास करने के लिए लगा है और कुछ काम नहीं है इसका, इसका फंक्शन नहीं है। अब इधर देख सकते हो इधर से भी एक कनेक्टर लगा है, ये टॉप कार्ड में गया है, टू टॉप कार्ड की तरह गया है। ये टॉप कार्ड में जाता है इधर का सेंस देना पड़ता है। ये सर इधर का क्या सेंस देता है? इधर में जितना करंट हो रहा है वेल्डिंग करंट, इसको सेंस करता है कैसे, इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके। तो फ्रेंड पहले इससे भी बोलो आप लोग सर वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटा सा की पॉइंट छूट जाएगा तो आप लोगों को रिपेयरिंग करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए एक सर्किट को आपका दिमाग में रहना ही चाहिए, अगर उसको रेफरेंस मान के आपको काम करना है, अगर आपको वेल्डिंग फील्ड में कुछ करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ आगे बढ़ना है, तो हर रिक्वायरमेंट का एक डेमो समझ कर लीजिए या हर रिक्वायरमेंट का एक मॉडल लीजिए, उसका सर्किट को आपको एनालिसिस करना है, कुछ बारीकी से एनालिसिस करना है, उसको दिमाग में रखना है तो आगे ही बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आप समझ लीजिए आप नया मॉडल में एक वेल्डिंग मशीन आ गया लेकिन आपको रेफरेंस चाहिए ना, हाँ इस सर्किट में ऐसा रहता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिजायर किया है, थोड़ा बहुत ऐसे किया हो, वो कोई बात नहीं है, इसको ऐसे लगाने से चलेगा। इसलिए आप लोग को सर्किट को दिमाग में रखना चाहिए, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक देखिए और इसको दिमाग में रखिए। अगर लगे तो एक बार नहीं दो बार तीन बार देखे, एक सर्किट को आप दिमाग में रख दीजिए, सिर्फ एक ही, एक मॉस्फेट बेस को कर लीजिए, एक आईजीबीटी बेस को कर लीजिए, तो वेल्डिंग फील्ड में आप आगे बढ़ जाओगे, आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, ज्यादा बात हो रहा है। तो देखिए इधर रेजिस्टेंस लगा है, तो देखिए इधर से रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जा रहा है। तो हम लोगों को मालूम है V is equal to IR। अगर एसी होता तो अलग हो जाता, यहाँ पे V is equal to IR cos phi बहुत कुछ हो जाता है, उसको छोड़ दीजिए, V is equal to IR। तो यहाँ पे I है 100 एम्पियर। अब इधर देख सकते हो 3 0.32, तो इसको 0.32 से मल्टीप्लाई करने से जितना वोल्टेज आएगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज आएगा। अब देख सकते हो इधर से एक पॉजिटिव इधर गया है और इधर से देखिए इधर से एक नेगेटिव गया है इधर, तो ये दोनों में अक्रॉस में वोल्टेज बनेगा। इस वोल्टेज को हम लोग लेके क्या करते हैं, टॉप कार्ड में देते हैं, वहां पे ड्राइवर सेक्शन में जो PWM सिग्नल जनरेट करते हैं उसको पता चलता है कितना आउटपुट हो रहा है करंट। तो क्या है, हम लोग करंट सेंस देते हैं, अगर हम लोग 80 एम्पीयर का करंट सेंस दे रहा हूं तो इधर देख सकते हो 100 हो रहा है, तो उसका मतलब उसको ड्यूटी साइकिल, इसको करंट कम करना है, इसको कम करने के लिए वो ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करता है। ड्यूटी साइकिल को कैसे एडजस्ट करता है, उसको ड्यूटी साइकिल को आप देख सकते हो, ड्यूटी साइकिल अगर आप समझ लीजिए ऐसे करके, ये दोनों 100 है, तो ऑन टाइम इसको ऑन टाइम ऊपर की तरफ, इसको ऑन टाइम बोलते हैं, ऑन टाइम इसको ऑफ टाइम है, ये अगर 50 है तो ये ऑफ टाइम है 50 होगा, तो अगर 80 चाहिए 100 दे रहा है तो ऑन टाइम को डाउन कम करना पड़ेगा, तो क्या करेगा ऑन टाइम को थोड़ा सा काट के कम 40 कर देगा और इसको 60 कर देगा, तो एम्पियर घट जाएगा। उस तरफ से अगर एम्पियर बढ़ाना है, अगर 100 दे रहा है लेकिन 250 या 150 करना है तो इसको ऑन टाइम को बढ़ा देगा, ऑफ टाइम को घटा देगा, ऐसे करके वो चेंज करेगा इस रेफरेंस के वजह से। और ये आप इधर से देख सकते हो ये 1 के रेजिस्टेंस के थ्रू इधर न्यूट्रल से लिया है, न्यूट्रल का रेफरेंस ले रहा है और चेक कर रहा है। तो इधर से आपको क्या समझ में आया, अगर किसी वेल्डिंग मशीन में करंट कंट्रोल नहीं हो रहा है, करंट कंट्रोल नहीं है, फुल एम्पियर में वेल्डिंग कर रहा है, तो आप लोग को देखना पड़ेगा यह शंट काम कर रहा है क्या, शंट से फीडबैक जा रहा है वोल्टेज, तो क्या करोगे आप लोग, इधर वोल्टेज अक्रॉस में पहले अगर वेल्डिंग नहीं हो रहा है तो वोल्टेज मेजर कर रहा होता है, वेल्डिंग कर रहा हो तो कितना वोल्टेज बन रहा है वो मेजर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा इधर से, हाँ इधर सर्किट सही है, ऊपर टॉप कार्ड में कुछ दिक्कत है, मिडिल कार्ड में कुछ दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप देख सकते हो इधर जो कनेक्टर लगा है ये कनेक्टर और इधर जो कनेक्टर है सेम है, लेकिन इधर से तो वेल्डिंग करने के टाइम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करना है इधर इस कनेक्टर में मेजर कीजिए, यहाँ पे मेजर होगा तो आपको पता चल जाएगा, इधर वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा इधर नीचे मिडिल कार्ड से सिग्नल सही से आ रहा है, इधर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम है, इधर चेक करना है टॉप कार्ड में, तब इधर देख सकते हो इसके वजह से यही प्रॉब्लम हो सकता है।
और इधर जो डायोड लगा है उसके वजह से क्या हो सकता है, इसका वजह से ओसी जलेगा, ओवर करंट का लाइट ब्लिंक करेगा। ओवर करंट क्यों ब्लिंक करेगा, क्योंकि वो मशीन डिजाइन किया है, अगर 200 एम्पीयर का मशीन है तो 200 एम्पीयर के लिए इतना करंट उधर जाना चाहिए, तो उतना करंट जाना चाहिए, तो उससे भी ज्यादा जा रहा है क्योंकि ये शॉर्ट है, तो इसलिए इसको इधर मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने के लिए ज्यादा एम्पीयर ले रहा है, तो इधर शॉर्ट करेगा। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ऐसे परिस्थिति में, अगर ओसी जल रहा है तो आपको क्या करना है, टॉप कार्ड में जो जैक दिया रहता है मिडिल कार्ड के लिए उसको खोल देना है। अगर उसको खोल देने के बाद ओसी लाइट चला गया तो डेफिनेटली मिडिल कार्ड में प्रॉब्लम है। तो क्या चेक करना है मिडिल कार्ड में, आप इधर जो इधर देख सकते हो, इधर इस दोनों में आप मीटर देखो पोलैरिटी में चेक कीजिए, अगर शॉर्ट है तो डायोड में शॉर्ट है। आप देख सकते हो किसी एक डायोड शॉर्ट होगा तो सारे डायोड्स में शॉर्ट दिखेगा, क्योंकि अब इधर से देखिए ये शॉर्ट हो गया, तो इधर से करके लाइन जाके इधर घूमेगा, फिर इधर से करके ये डीसी लिंक में शॉर्ट हो गया और ये तो एसी के साथ शॉर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये डीसी में जाके इधर चला गया और पॉजिटिव नेगेटिव में, सारे पॉजिटिव नेगेटिव में शॉर्ट हो गया ना क्रॉस में, तो सारे में शॉर्ट हो गया। उस टाइम आप लोगों को क्या चेक करना, कैसे चेक करना है वो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर हाई एम्पियर का डीसी है तो आप दे सकते हो, देखिए इसका करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, तो ये बढ़ाइए तो ये जो डायोड है इसमें उंगली रखे, किसी एक में उंगली देखिए देखिए वो हीट होगा, तो उसको चेंज कीजिए, एक सॉल्यूशन है। और एक सॉल्यूशन है, आप इधर देख सकते हो यहाँ पे कॉपर वायर दिया है, कॉपर सारे वायर, ये जो कनेक्टिंग है ना ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर देखिए पैरेलल में पॉजिटिव में पॉजिटिव बास के साथ जोड़ रहा है, तो आप इधर से सोल्डरिंग आयरन देके हीट कीजिए और ये कॉपर वायर को खोल दीजिए। जब खोल दीजिएगा तो आइसोलेट हो जाएगा, इंडिविजुअली हो जाएगा, तो टू टू ने एक प्यार करके अलग अलग हो जाएगा। इधर से देखिए, आप इधर से देख सकते हो तीन आया है और नीचे से तीन आया है, तो आप इधर से खोल के चेक कीजिए, जब जिसमें शॉर्ट आएगा तो दोनों में शॉर्ट दिखेगा, तो इस दोनों से एक को खोल लीजिए तो पता चल जाएगा, अगर शॉर्ट को खोल लिए तो ये ठीक रहेगा, अगर ये शॉर्ट है तो दूसरे वाला ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा एक ही खराब होता है, दो नहीं खराब होता है, रेयर केस में होता है, क्योंकि एक ही खराब होगा, अगर एक खराब हो जाएगा ना तो ओवर करंट में आ जाएगा, तो प्रोटेक्शन में चला जाएगा और करंट ही नहीं जाने, मतलब ड्यूटी साइकिल ही नहीं करेगा, स्विचिंग नहीं करेगा, तो प्रोटेक्शन में जाएगा और खराब होने का चांसेस नहीं रहता। मैं तो प्रैक्टिकल केस में वही देखा हूं। अगर आप लोगों को दूसरा एक साथ दो डायोड खराब मिले तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो ऐसे होता है। और एक प्रॉब्लम हो सकता है, चॉपर ट्रांसफार्मर खराब है, तो चॉपर ट्रांसफार्मर कैसे खराब है, अगर आप देख रहे हो मिडिल कार्ड का जैक खोल देने से ओसी चल रहा है लेकिन इधर पॉजिटिव नेगेटिव में शॉर्टेज नहीं है, तो आप देख सकते हो किसी तीनों में किसी एक ट्रांसफार्मर खराब है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, आप इधर देख सकते हो ये तीनों लगा रहेगा, ये जो रेड वायर आता है देखिए 5-6-7 में रेड वायर है, दो किसी भी दो को खोल दीजिए, उसके बाद देखिए रेड, अगर ओसी चला गया तो जिस दोनों में खुला है इस दोनों में किसी एक ट्रांसफार्मर चॉपर खराब है, उसको भी लगा दीजिए, एक एक करके लगा कर चेक कर लीजिए, जिस वायर का चॉपर ट्रांसफार्मर खराब है उसको चेंज कर दीजिए और रिपेयर हो जाएगा। अब देख सकते हो ये मिडिल कार्ड में इससे ज्यादा फॉल्ट कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ एक इसमें सिर्फ तीन चीज का प्रॉब्लम होता है। एक मेरा प्रैक्टिकल के एक्सपीरियंस से देखा हूँ, एक चॉपर होता है, एक डायोड होता है, ये साउंड नहीं खराब होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस को बोलते हैं साउंड रेजिस्टेंस, ये साउंड में खराब नहीं होता है लेकिन यहाँ से जो लाइन जाता है वो ब्रेक हो जाता है। और एक केस होता है, ये यहाँ पे जो टर्मिनल दिया है ना, ये टर्मिनल दिया है ना, ये टर्मिनल में यहाँ पे किसी किसी में एल्युमिनियम दिया रहता है, ये कॉपर है अच्छा है, किसी किसी में एल्युमिनियम दिया रहता है, तो यहाँ पे स्पार्किंग हो जाता है तो ओल्डिंग नहीं होता है। सर यही चारों प्रॉब्लम होता है, तो उसको आप आसानी से फिक्स कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। अगर रिपेयर करने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे मिडिल कार्ड का जो प्रॉब्लम हो रिपेयर करना है, और मेरा जो पहले दो वीडियो है बॉटम कार्ड और टॉप कार्ड के बारे में वो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कैसे काम होता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में होम अप्लायंस या वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड चीज का रिपेयरिंग और थ्योरी एनालिसिस करता हूँ, स्टडी करता हूँ, आप लोगों के लिए नया नया वीडियो डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और जो लोग मेरे साथ नया जुड़ रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।